आज बढ़ती अपराध की घटनाओं से पूरा प्रदेश चिंतित है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। जब से हेमंत सोरेन सरकार में आए हैं तब से महिलाओं के साथ जिस तरह से दुराचार या उनके साथ अपराध के मामले बढ़े हैं इस राज्य में। एनसीआरबी का डेटा इस बात के लिए स्पष्ट करती है कि राज्य में अपराध की घटनाओं में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा उग्रवाद की घटनाओं में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, लोगों को लेवी के लिए परेशान किया जा रहा है, तो राज्य में विकास के कार्य भी बाधित हो रहे हैं। एक तरफ महिला के मन में असुरक्षा का भाव, दूसरी ओर व्यापारियों व्यवसायियों के मन में असुरक्षा का भाव, तो पूरे प्रदेश में जो वातावरण है अस्थिरता होने के साथ साथ राजनीतिक रूप से जिस तरह से चीजें उनके नियंत्रण में नहीं है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू सर उठाकर बोल रहा है। अब सरकार को इस दौर आवश्यक ध्यान देने की आवश्यकता है कि जितनी जल्दी हो इस पर लगाम लगाई जा सके। शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को भूल गए हैं कि जब उनकी सरकार इस राज्य में थी डबल इंजन की, पूर्ण बहुमत की, तो यह राज्य मॉब लिंचिंग का जनक बना। इस राज्य में मुख्यमंत्री आवास के समक्ष दिनदहाड़े हत्या हो जाया करती थी, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हों या पुलिसकर्मी हों। लेकिन अगर महागठबंधन सरकार में अपराध होते हैं तो प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को जेल के शिकंजे के पीछे पहुंचाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को यह भी याद होना चाहिए कि इस राज्य में एक दुष्कर्म पीड़ित बच्ची का जब पिता न्याय मांगने के लिए जाता है तो कैसे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा भरी सभा में उसे गुदकार के भगा दिया जाता है। तो हमें लगता है कि भाजपा को इन सब सारी चीज़ों को याद करने के बाद ही कोई बयान देना चाहिए।